हाय एवरीवन, आप सबका एक नए वीडियो पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, BSNL का मैं यहाँ पे दो प्लान आपको बताने वाला हूँ, जिस प्लान में आपको 84 डेज की वैलिडिटी मिलेगा, यानी कि 84 दिन की वैलिडिटी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो दोनों प्लान हैं, इन दोनों प्लान में आपको काफ़ी सारा जो कि अंतर देखने को मिलेगा। जो अंतर होगा आपका प्राइस, यानी कि रुपये के अंतर, और ज़्यादा कुछ ज़्यादा आपको जो कि अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो कौन कौन से प्लान हैं और कितने रुपए के हैं और क्या क्या मिलने वाला है, एक एक जानकारी देंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक प्लान की बात करते हैं, प्लान BSNL ने हाल ही में जो कि लॉन्च किया है, जो प्लान है यहाँ पे 769 रुपये का, यानी कि 769 रुपीज़ का। इस प्लान को अगर आप BSNL में कराते हैं तो इसमें आपको मिल जाता है अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा, जो आप लोकल स्टडी रोमिंग कहीं भी कर सकते हैं। इसमें अगर मैसेज की बात करें तो 100 SMS प्रतिदिन मिल जाते हैं, हेलो ट्यून की भी सुविधा मिल जाता है आपको 769 रुपये वाले प्लान में। डाटा की बात करें तो 2 GB प्रतिदिन डाटा मिलता है, 2 GB प्रतिदिन जो डाटा मिलता है उसकी खपत कर लेते हैं तो 40 KBPS के स्पीड में डाटा यूज करने को मिलता है, यानी अनलिमिटेड डाटा की सुविधा, अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा आपको 769 रुपये वाले प्लान में मिलता है। वैलिडिटी की बात करें तो 84 डेज यानी 84 दिन की वैलिडिटी मिल जाता है। वही एक प्लान आता है BSNL में 599 रुपये का, यानी कि 599 रुपीज़ का। इस प्लान को अगर आप कराते हैं BSNL में तो इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलता है, जो आप लोकल स्टडी रोमिंग कहीं भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी किसी स्टेट में क्या है कि 1440 मिनट ही बात करने को मिलता है 599 रुपये वाले प्लान में। तो रिचार्ज करने से पहले सबसे पहले चेक कर लेना है कि आपके स्टेट में 599 रुपये में कॉलिंग की जो सुविधा है किस प्रकार से मिलती है। अगर डाटा की बात करें तो 599 रुपये वाले प्लान में पहले आपको रोजाना 5 GB डाटा मिलता था, लेकिन इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब 599 रुपये में आपको 3 GB डाटा पर डे मिलता है, और जो पर डे 3 GB डाटा मिलता है उसकी खपत कर लेते हैं तो 40 KBPS के स्पीड में डाटा यूज करने को मिलता है। इतना ही नहीं, आपको 599 रुपये वाले प्लान में रात के 12 बजे से सुबह के 5 बजे तक फ्री में डाटा यूज करने को मिलता है, आप जितना चाहें उतना डाटा यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डाटा के लिए 599 रुपये वाला प्लान बहुत ही ज़बरदस्त है। जो वीडियो अपलोड करते हैं या जिसको ज़्यादा नेट की ज़रूरत होता है तो वो 599 रुपये वाला प्लान कराता है, क्योंकि 599 रुपये वाले प्लान में अभी भी 3 GB डाटा पर डे मिलता है। इसमें हेलो ट्यून की भी सुविधा मिल जाता है, 100 SMS प्रतिदिन आपको मिल जाएंगे। अगर हम बात करते हैं वैलिडिटी की तो आपको यहाँ पर 84 डेज यानी कि 84 दिन की वैलिडिटी 599 रुपये वाले प्लान में भी मिल जाता है। तो यहाँ पर दो प्लान हमने बताए, तो दोनों प्लान में आपको देखने को क्या मिला, दोनों में अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिल जाता है, और यहाँ पे जो 599 और जो कि 769 रुपये वाला प्लान है, इनमें आपको जो डाटा है, डाटा में कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि 769 रुपये वाले प्लान में आपको 2 GB डाटा मिलता है, लेकिन 599 में 3 GB डाटा मिलता है। यहाँ पे क्या है, आप पैसा ज़्यादा देते हैं लेकिन बेनिफिट कम मिलता है। इसमें सेम है और वैलिडिटी भी सेम है। तो अगर आप रिचार्ज कराना चाहें तो मेरे तरफ से आपको जो कि एडवाइज है कि आप 599 रुपये वाला ही प्लान कराएं, अगर आप BSNL सिम यूज करते हैं तो। अगर आप डाटा के लिए या जो कि अच्छे तरह से बेनिफिट पाना चाहते हैं तो 599 रुपये वाला प्लान बेस्ट है। अगर आप जो कि यहाँ पे 769 रुपये वाला प्लान कराते हैं तो इसमें आपको पैसा भी ज़्यादा लग जाएगा और बेनिफिट भी कम मिलेगा। ऐसे ही दो प्लान थे जिसके बारे में मुझे बताना था। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं कैसे नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।